अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी ना खरीदे ये पांच चीजें। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के हिसाब से यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। यह त्योहार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह का प्रतीक है। यह त्योहार शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का अर्थ है अनंत फल देने वाला। इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य अक्षय यानी अनंत फल देने वाले होते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नंबर एक, एल्यूमिनियम का बर्तन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन एल्यूमिनियम का बर्तन खरीदने से धन की हानि होती है। नंबर दो, काले रंग के वस्त्र। ज्योतिषियों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। मान्यता है कि काले रंग के वस्त्र खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही अशुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर तीन, काले रंग की वस्तुएं। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन काले रंग की वस्तुओं को भी भूलकर नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह दोष उत्पन्न होने लगते हैं। नंबर चार, चाकू। अक्षय तृतीया के दिन कांटेदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू, कैंची और सुई। मान्यता है कि जो लोग इस दिन कांटेदार चीजें खरीदते हैं उनके मन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। नंबर पाँच, प्लास्टिक। इस दिन भूलकर भी प्लास्टिक की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि प्लास्टिक की चीजें खरीदने से जीवन में दरिद्रता आती है, साथ ही व्यक्ति को कभी भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़